हेलो फ्रेंड्स, छुपू क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, वो अपना बैल्कनी में बैठा है लंच होने के बाद। ओके तो फ्रेंड्स, चलो मैं आज मैं आपको बैल्कनी दिखाऊं। हाँ हाँ हाँ, नहीं बैल्कनी रजा, यहाँ से शुरुआत करते हैं। ओके, ये है मेरा मनी प्लांट का पॉट। ये एक ही पॉट से देखो फ्रेंड्स, कितना अच्छे से ग्रो हुआ है मनी प्लांट ऊपर तक। ओके, वहाँ तक हा? फिर उसके बाद इसका नीचे से भी ग्रो हुआ अच्छी तरह से वहाँ तक। अच्छा है ना फ्रेंड्स, इसका भी यहाँ से ग्रो होके यहाँ पर ही है। और ये जो प्लांट्स है ना, ये सब मैंने आइकिया से लिया। इवन ये मनी प्लांट्स भी है ना, वो मैंने आइकिया से लिया है। अच्छा ग्रो होता है आइकिया का प्लांट्स। करो छुपू, ये है मेरा बैल्कनी फ्रेंड्स। छुपू दिन में कम से कम मिनिमम 4 टाइम्स बाहर बैल्कनी में आके सोता है। वो रिलैक्स करते हैं, स्पेशली जब भी उसका खाना हो जाने के बाद, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। करे छुपू। और ये है मेरा बर्ड्स। चलो मैं आपको बर्ड्स के बारे में बताती हूँ क्या हुआ था। ये फिंचस है एंड स्पैरो, इट्स नॉट स्पैरो, लव बर्ड कहते हैं। आपको पता है क्या हुआ था फ्रेंड्स? जब मैं टिकटॉक में वीडियो पोस्ट करती थी ना, तो बर्ड्स का भी कुछ वीडियो पोस्ट हुआ था। तो बहुत लोगों ने मुझे कहा कि मैम, आपको बर्ड्स को फ्री कर देना चाहिए, ऐसे केज में नहीं रखना चाहिए। ओके, आई एग्री विथ देम। तो मुझे लगा कि शायद मुझसे गलती हो गई, बर्ड्स लाकर मुझे केज में नहीं रखना चाहिए करके। तो मैंने क्या किया, ये जो छोटे छोटे ये फिंचस है, तो मैंने उसमें से 2 फिंचस फर्स्ट मैंने ट्राई किया कि दे आर सेफ और नॉट। छोड़ने के बाद मैंने फ्री करने के बाद 2 फिंचस और ये 2 बर्ड को मैंने फ्री कर दिया था। एंड यू नो फ्रेंड्स व्हाट हैपेंड, जस्ट आई थिंक हार्डली 35 मिनट्स 40 मिनट्स भी नहीं हुआ था, वो हमारा सिक्योरिटी गार्ड वॉचमैन ने लाके कहा कि मैम ये आपका बर्ड्स है ना, मैं पक्षी लेकर आया, ऐसा पूछा। बोला हाँ, देखा तो ये 2 फिंचस टेरेस पे मतलब मरे पड़े थे और ये वाला बड़ा बर्ड्स नीचे गिरा हुआ था। तो मुझे इतना दुख हुआ ना, इतना ख़राब लगा ना, क्यों मैंने वो कमेंट्स को दिमाग दिन में लगा के मैंने ऐसा बर्ड्स को फ्री कर दिया, बेकार में उनकी डेथ हो गई ना करके। तो मैं इमिडिएटली वहाँ पर जहाँ पे मैंने बर्ड्स ख़रीदा ना, तो उनके पास गई, मैं शॉपकीपर के पास जाकर मैंने पूछा कि ऐसा क्यों डेथ हो गए, बर्ड्स आर मेंट टू फ्लाई इन द स्काई ना, तो फिर ऐसा क्यों नहीं सर्वाइव कर पाया? तो उन्होंने कहा कि नहीं मैडम, ऐसे बर्ड्स नहीं सर्वाइव कर पाते बाहर, डेथ हो जाती है। बड़े बड़े बर्ड्स उन लोगों को मार डालते हैं, वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाते, इसलिए तो इन्हें केज में रखा जाता है। तो मैंने कहा चलो फिर भी क्यों रिस्क लेना करके, उनको लौटा देंगे सोची थी मैं, नहीं चाहिए बर्ड्स करके। और जब मैंने लौटाने के लिए सोची थी, जब उनका मैंने बर्ड्स का केज देखा, ओ माई गुडनेस, इतना गंदगी था ना, इतना अनहाइजीनिक था ना। तो अगर मैं छोड़ती, अगर उनके पास मैं उनको दे देती, लौटा देती थी, तो फिर से उसी केज में डालता वो, और डालने के बाद कोई और आकर उसे लेके जाता, और क्या गारंटी उस बर्ड्स का बराबर देखभाल होगा कि नहीं। तो मैंने सोचा नहीं, कोई कुछ भी सोचे, कोई कुछ भी कमेंट्स करे, मुझे पता है ना कि मेरे बर्ड्स के साथ क्या हुआ, और मैं दूंगी तो भी मेरे बर्ड्स के साथ क्या होने वाला है। तो इसलिए मैंने नहीं दिया बर्ड्स। इनफैक्ट मैं कम से कम इनके 2 बार खाना रखती हूँ, 2 बार पानी चेंज करती हूँ, ट्रे साफ करती हूँ, ध्यान देती हूँ, बातें करती हूँ मैं अपने बर्ड्स के साथ, और बर्ड्स हमें पहचानते भी है, पता है फ्रेंड्स। और बर्ड्स हमें कैसे पहचानते हैं उसका भी मैं एक वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक दिन क्या हो गया, हम लोग रोज़ सनसेट के बाद बर्ड्स को अंदर रख देते हैं, घर के अंदर रख देते हैं, बाहर नहीं रखते, और आफ्टर सनराइज़ के बाद हम इसे बाहर रखते हैं। तो क्या हुआ, कुछ ऐसे मेरा तबीयत ठीक नहीं रही, तो समवॉट अराउंड 9:00, छोपू टायर्ड हो रहे क्या मम्मी भूली जा रही है कब से करके, ओ नाना बंगारू, ओ जो नाना मम्मी पट्टीचको ले जाने की, मम्मी बर्ड्स गुरी माटा, ओके स्नोफी फर्स्ट बुब्बू फर्स्ट मैंने की, ओके। तो उसे बर्ड्स को मैं अंदर रखना भूल गई थी, तो मैं जब मैं बाहर गई थी तो बर्ड्स आवाज़ करने लगा, तो ठीक है अच्छा मैं बर्ड्स को रखना भूल गई करके मैंने अंदर रख दिया। मेरे बच्चे ने कहा नहीं मम्मी, तुम जैसे ही बाहर घूम चले गए तो बर्ड्स तुम्हें बुला रहे थे कि हमें अंदर ले लो। बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं नहीं मम्मी वो बर्ड्स हमें पहचानते, मतलब ये कुछ 1.5 साल पहले की बात है। तो मैंने बोला चलो लेट्स ट्राई अगेन। तो नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, पर्पसली मैंने बर्ड्स को अंदर नहीं लिया 8:00 तक, और मैं बाहर जाती थी अंदर आती थी, बाहर जाती थी मीन्स बाहर आती थी अंदर जाती थी। मैं जब भी बाहर आती थी बर्ड्स आवाज़ करते रहे, जब मैं अंदर जाती थी चुप हो जाता था बर्ड्स लोग। तब मैंने रियलाइज़ किया कि ओ माई गॉड, हाँ ये हमें बुलाते हैं कि हमें अंदर ले लो करके। तो आप ही बोलो फ्रेंड्स, जब ये बर्ड्स इतने अच्छी तरह से हमें पहचानते, हमारे फैमिली मेम्बर हो गए, मतलब दे नो ईच एंड एवरीथिंग, कि आई मीन टू से कि हमारे फैमिली मेम्बर हो गए, तो मैं कैसे उनको छोड़ सकती हूँ, कैसे मैं ये
दूसरों के हाथ दे सकती हूँ, और कैसे मैं इसे फ्री कर सकती हूँ जबकि लोग सेफ नहीं है। और यहाँ पे पता है ये हमारा बड़ा बड़ा ट्रीज है ना, इसके ऊपर हॉक भी आकर बैठते हैं। मेरे ख्याल से पहला वाला वो हॉक पहले बर्ड्स को भी हॉक ही नहीं मारा होगा, तो बहुत बड़े बड़े बर्ड्स आते हैं यहाँ पर। करें छुपू, ये हुआ बर्ड्स का स्टोरी। ये बात अलग है कि हमारे छुपू को पसंद नहीं है, हम बर्ड्स के पास आके बातें करेंगे तो। करें छुपू। और रहा छुपू का पप्पा के बारे में, विच वन? गणपति बप्पा मोरिया। अब गणपति बप्पा मोरिया हमारे बालकनी में कैसे आए मैं बताती हूँ। मुझे कंटिन्यूस ड्रीम में बप्पा आ रहे थे। ऐसा तो हमारे घर में 7 डेज के बप्पा बैठते हैं, 7 डेज हमारे घर में बप्पा आते हैं। तो उनका निमर्जन होने के बाद पता नहीं मैं बहुत रेस्टलेस थी, मतलब सेटिस्फाइड नहीं था पप्पा को निमर्जन करने के बाद। तो कंटिन्यूस विल नॉट बिलीव फ्रेंड्स, कंटिन्यूस मेरा ड्रीम में पप्पा आ रहे थे। तो मैंने कहा चलो हम भी भगवान पप्पा को लाते घर पर। लाकर पप्पा को मैंने यहाँ पर स्थापित कर दिया पप्पा को। करे छुपू, रोज सुबह पप्पा का आरती लेते छुपू, करे नाना। तो ये है मेरा पूरा लंबा बालकनी का स्टोरी विथ छुपू, विथ बर्ड्स एंड माई गणपति पप्पा। करे छुपू।